हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज डेली हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे बोट लगाना बताऊंगा। जैसे कि आपने सुना होगा 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, 10 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एंड जो भी इस पे काम करना चाहते हैं ऑटोमेशन के थ्रू वो काम कर सकते हैं। बट आपको खुद अपनी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि जिस शेयर पे आप लगा रहे हो उस पे वो चीज़ें वर्क करती है, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो जाए एंड सिंप्लीफाई हो जाए। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये इंडियन ऑयल का चार्ट खोल रखा है एंड ये अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल रखा है। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जो हमारी फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल होगी उसका हाई से अगर कैंडल ओपन होती है तो आपको सिग्नल जनरेट हो जाएगा, उसके लो से कैंडल ओपन होती है तो आपको सिग्नल जनरेट हो जाएगा। देन आपका सिग्नल जो भी जनरेट होता है उसके अंदर आप जो भी कोड डालते हो वो चीज वर्किंग होगी। सपोज मानो सुबह ये 3 मिनट की कैंडल जो इससे जो इसका हाई है इसके हाई से ओपन हुई, तो अगर आपके अंदर आपने इसके अंदर सेल का कोड डाला है या बाय का कोड डाला है या कवर ऑर्डर डाला है, जो भी आपने डाला है वो चीज आपके क्या कहते हैं एक्सचेंज पे होगी। जैसे कि मेरा एक्सचेंज है यहां पर होगी, तो डिपेंड आपके कोड पे करता है आप मार्केट में बाय कर रहे हो, लिमिट में बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कवर ऑर्डर लगा रहे हो, ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो एवरीथिंग, वो चीज आपके सिग्नल जैसे ही आएगा वो चीज वहां पर काम करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया हाई लो पे वर्क करता है, आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में लगा सकते हो पर इंट्राडे के, जैसे कि मैंने अभी इसे 10 मिनट कर दिया तो अब ये 10 मिनट का हाई लो कैलकुलेट करेगा। पहली कैंडल इन्हें 10 मिनट की ली, देन इन्हें ये 10 मिनट की कैंडल से ओपन होनी चाहिए ऊपर, देन ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा। फिर मार्केट नीचे आती है तो इसके अंदर एक चीज और है जी, मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जैसे ये ओपन हुई तो इन्हें इधर सिग्नल दे दिया पर वापस रिवर्स हो जाती है मार्केट एंड फिर से ऊपर ओपन होती है तो ये फिर से सिग्नल प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ रिवर्स हुई है फिर से इन्हें सिग्नल प्रोवाइड करा है, तो इस तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं कि इस पर अलर्ट्स कैसे लगाते हैं, तो अलर्ट्स मतलब कमांड कैसे लगाते हैं, तो इस चीज को देख लेते हैं। आपको करना क्या है मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, हो सका तो मैं आपको एक छोटे से टाइम फ्रेम में लाइव डेमो भी दिखाऊंगा इस पर ट्रेड लेके लिमिट ऑर्डर लगा के, पर उसके लिए मेरे को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर ये सिग्नल बन रहा हो एंड उसके लिए मेरे को उस वीडियो को स्टॉप करके कट करके आपको वो चीज भी दिखानी पड़ेगी। तो पहले सिग्नल लगाना बता देता हूँ। सिग्नल लगाने से पहले बता दूं जो ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर ये रहा मेरे पास बिटमैक्स प्रो ट्रेडिंग अलर्ट्स एंड इस इंडिकेटर की एक्सेस जब आपको मिलेगी जब आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो या टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, देन मैं आपको इस इंडिकेटर की एक्सेस दे दूंगा। उसके बाद आप इसको अपने बॉट पे लगा सकते हो। तो आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज करके अपना ये यूजर नेम बताना है मेरे को, क्या कहते हैं यूजर नेम की स्क्रीनशॉट भेजनी है मेरे नंबर पे, या यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ट्रेडिंग व्यू का आपका यूजर नेम मिलेगा। तो मैं आपको इस इंडिकेटर की एक्सेस दे दूंगा। इंडिकेटर जैसे आप अप्लाई करोगे चार्ट पे जिस भी टाइम फ्रेम में वो वर्क करने लगेगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया, देन आपको करना क्या है कि आपको सिग्नल कैसे लगानी ये देखते हैं। तो आपको इस वॉच के आइकन पे क्लिक करना है, कमांड कैसे लगानी सॉरी, एंड मैंने पहले भी एक कमांड लगाई थी, इसे बंद कर देता हूँ एंड दोबारा आपके सामने मैं कमांड लगा के दिखाता हूँ। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रहा हूं मैं, तो आपको पहले टाइम सेट कर लेना किस टाइम फ्रेम में लगा रहे हो। जैसे मैंने 3 मिनट कर रखा है एंड उसके बाद इस वॉच प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहां पर उस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेना है जो मैंने जिसकी एक्सेस दी है एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब ऊपर की साइड ओपन हो रहा है, शॉर्ट का मतलब नीचे के लो को की साइड ओपन हो रहा है, नीचे के लो से ओपन होती है कैंडल, मतलब जो नीचे का लो है आपका फर्स्ट कैंडल का उससे नीचे ओपन होती है कैंडल, तो वो शॉर्ट है। तो अभी हमने लॉन्ग का सिग्नल बनाया, ओनली वंस करना है, ओनली वंस मतलब एक ही बार सिग्नल आएगा, जो भी आपने कोड लगा रखा होगा वन टाइम वर्क करेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। तो हमने लॉन्ग का सिग्नल कमांड क्रिएट कर दिया एंड देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया IOC 3 मिनट, मतलब 3 मिनट के चार्ट में कमांड बनाई है, लॉन्ग सिग्नल है, बस इसमें कोड डालना है। जैसे लॉन्ग का सिग्नल आएगा वो बाय कर लेगा या ऑर्डर लगा देगा, जो भी मैंने कोड डाला होगा वो चीज करेगा। इसका भी अभी डेमो दिखा दूंगा। अगर सेल का डालना है तो सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फिर से हमने कंडीशन में बिटमैक्स लिया, शॉर्ट लिया, यहाँ ओनली वंस कर दिया एंड क्रिएट कर दिया। अभी कोड नहीं डाला इसलिए वर्क नहीं करेगा, ओनली फॉर अलर्ट्स प्रोवाइड करेगा जब भी सिग्नल आएंगे, पर कोड डालते के साथ ये यहाँ पर वर्किंग भी करने लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो मॉर्निंग के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूं आपको, आपने मल्टी चार्ट खोल लिया अपने ट्रेडिंग व्यू पे, जैसे मैंने 4 चार्ट खोल रखे हैं, आप 8 भी खोल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान ले रखा है ट्रेडिंग व्यू का। तो मैंने 4 चार्ट खोल लिए एंड चारों पे लगा दिया अपने अपने अलग अलग टाइम फ्रेम में, मेरे को पता है बैक टेस्टिंग का पता है कि हाँ भाई इस
इस शेयर पे ये टाइम फ्रेम पे ये चीज सूट होती है, अच्छा काम करती है, प्रॉफिटेबल है, तो मैं सब पे लगा दूंगा। देन जो फर्स्ट टिगर होगी उस पर बाइंग एंड सेलिंग होने लग जाएगी। आप साथ में इसके साथ ये भी कर सकते हो कि आपने इसको तो लगा लिया, एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी कि आपने बाय तो जैसे सिग्नल आपने इसमें लगा दिया कि बाय हो सेल हो, आपको थोड़ी सी कैंडल आई थी, आपको पता चल गया कि इसका हाई है इसका लो है, एंड जब इससे ऊपर ओपन होगी तो ऑटोमेटिक बाय हो जाए। आप फिर क्या करोगे, आप एक हॉरिजेंटल लाइन भी दे सकते हो कि आपका है ना जो पोजिशन है वो क्लोज भी हो जाए प्रॉफिट लेके, जिसे आप टारगेट प्रॉफिट कहते हो। तो इस तरीके की एक लाइन देके इसको भी आप कंडीशन दे सकते हो क्लोज पोजीशन करने की। तो मतलब आपने बाय करा है तो आप सेल कर सकते हो यहाँ पर, और मार्केट से स्क्वेयर ऑफ कर सकते हो। अगर आपने सेल करा है तो बाय करके आप मार्केट से स्क्वेयर ऑफ कर सकते हो। और ये हॉरिजेंटल पे कमांड कैसे लगाते हैं पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हम मल्टी चार्ट पर, यहाँ पर देखते हैं कहीं कमांड बन रही है। तो जैसे कि ये स्टेट बैंक का चार्ट है, एंड मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने खोला स्टेट बैंक का चार्ट, और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये स्ट्रैटेजी खोल रखी है। अभी इसमें कलरफुल इसलिए दिख रही है कि इसमें बैकग्राउंड पे पीछे कुछ वो है, तो आप इंडिकेटर की सेटिंग में जाओगे। आप चाहते नहीं हो कि आप बैकग्राउंड रखना, तो जब ऐसा करोगे आप स्टाइल में जाओगे और बैकग्राउंड पे से कलर हटा दोगे तो बैकग्राउंड हट जाएगा। तो अभी आप देखिए यहाँ पर एक बाय का सिग्नल बना था पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब अलर्ट्स आया था। देन क्योंकि जो सुबह का हाई था उससे ओपन ऊपर कैंडल ओपन हुई थी, तो इसलिए बाय का सिग्नल बना था। और उसके बाद यहाँ पर मार्केट चले जा रही है, हल्का सा अगर रिवर्स होती, हाँ रिवर्स हुई है दोबारा, एंड दोबारा अभी अगर हम देखें, एक बार मैं दिखाता हूं आपको इसका ये कैंडल का हाई लो क्या है। इसका हाई अगर आप ऊपर देखना, यहां पर इसका हाई एंड लो शो होगा। आप अगर इसका हाई देखोगे इस फर्स्ट कैंडल का 1 मिनट की, तो इसका हाई है 288.50। एंड देन जो अभी कैंडल चल रही है इसका इसका ओपन क्या है 288.50, मतलब कोई भी कैंडल इसमें इससे ऊपर ओपन नहीं हुई, इसलिए इधर सिग्नल नहीं बना। 8 मिनट की यहां पर हम अभी कमांड लगाते हैं तो हम करंट में देख सकते हो बाय कर रहा है नहीं कर रहा। तो फटाफट मैं कमांड बनाता हूँ, एक डेमो दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बना रहा हूँ। एंड बिटमैक्स करा, लॉन्ग करा, एंड कोड के लिए मेरे को क्या करना है आपको पता है ना, आपको बोर्ड पे क्लिक करना है, हेल्प पे क्लिक करना है, यहाँ से फटाफट एक कोड कॉपी कर लेना, जो भी मैंने सारी कोड की कमांड बता रखी है, एंड मैंने ये कोड कॉपी कर लिया, एंड इसे मैं यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ जिससे मेरे को आपको एक लाइव डेमो दिखा सकूँ। तो मैंने इसे यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पर मेरे को क्या कर रही है, कॉपी नहीं हुआ, फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। 1 मिनट, ये लॉन्ग के साथ आ गया, तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर पहले सबसे पहले मेरे को सिंबल चेंज करना है, सिंबल कर दिया मैंने SBIN, एंड क्वांटिटी कर दी मैंने 101, कर देता हूँ डेमो के लिए 101। एंड मार्केट रेट से, अभी मैं मार्केट में बाय नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट रेट से 2 पॉइंट नीचे लगे, परसेंटेज भी नहीं, 2 पॉइंट कर दिया मैंने, एंड क्रिएट कर दिया। तो जैसे अभी इधर बाय का सिग्नल बनेगा, क्योंकि रिवर्स में दोबारा से बनेगा, मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ कि जब सिग्नल बनेगा तो आपको मैं दिखा सकूँ कि हाँ सिग्नल बना और मेरी बिड लगी। तो अभी आप ऑर्डर देखोगे तो यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है और हमें वेट करना पड़ेगा। एक बार ये कैंडल इससे ऊपर ओपन हो जाए, जो भी हमारी लाइन जा रही है ना ग्रीन डॉट, ये है हमारी 288.50 पे, एंड कैंडल ओपन होनी चाहिए 288.55 पे या उससे ऊपर ओपन हो, मतलब मैक्स 288.55 पे ओपन होगी तो एक लॉन्ग का सिग्नल जनरेट हो जाएगा। और जैसे लॉन्ग का सिग्नल जनरेट होगा वैसे ही हमारी बिड वहां लग जाएगी मार्केट रेट से 2% नीचे। बट ये तो मार्केट नीचे आने लग गई तो वेट करना पड़ेगा, एंड मैं इस पार्ट को काट भी दूंगा। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे मैंने बताया था कि 1 मिनट की जो कैंडल है उसका 288.50 है, एंड हमें 55 पैसे चाहिए ओपन होने के लिए, एंड वैसे सिग्नल जनरेट होगा तो हम वेट करते हैं। आई थिंक आने वाला सिग्नल, देख लीजिए यहाँ कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ, एंड एक बार ये 55 पैसे पे ओपन हो जाए कैंडल, अभी तक यहाँ से कोई भी 55 पैसे पे ओपन नहीं हुई कैंडल, गई जरूर है जैसे कि अभी ये 50 पैसे जा रही है, ओपन होनी चाहिए जैसे मैंने बताया, जो हमारी स्ट्रैटेजी है ओपन पे वर्क कर रही है। और अगर आप कुछ चेंज चाहते हो तो वो भी मैं करके दे दूंगा आपको, बट अभी जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने ओपन पे कर रखी है। आप क्लोज पे चाहते हो लो पे चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक अगली कैंडल जो आने वाली है वो 55 पैसे से ऊपर ही ओपन होगी एंड सिग्नल जनरेट हो जाएगा, तो मैं आपको लाइव डेमो दिखा सकता हूँ। तो वेट करते हैं हम अगली कैंडल का, एंड अगली कैंडल आने वाली है, एंड 50 पैसे अभी रेट चल रहा है। तो अगली कैंडल आ गई, ये देखिए जैसे अगली कैंडल आई, एल बना आ गया, एल मिड्स लॉन्ग,
एंड यहाँ अलर्ट्स आ गया, एंड यहाँ पर जाके देखोगे तो हमारी बिड भी लग गई। तो एक लाइव डेमो मैंने आपको दिखा दिया, 101 क्वांटिटी की बिड लगी, मार्केट रेट से 2 पॉइंट नीचे लगी जैसे मैंने लगाया था। मैं चाहता तो डायरेक्ट बाइंग भी कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि मैं एक डेमो दिखा रहा था। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, और अगर कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आता वो टीमवीवर एनी डेस्क डाउनलोड कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है, मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।